Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. First of all, happy Navratri. Jai Mata Di sabko. Officially, our festive season start ho chuka hai. Sabse mera favorite time hota hai because October, November, December, it's full of festivals. Abhi Navratri hai, Diwali, Bhai Dooj, Dashera. Itne sari events aane wale hai na. Aur jab aise Indian festival hote hai na, to obviously hume Indian pehenna hi padta hai. And last year to COVID ki wajah se hum zyada celebrate nahi kar paye the. Is baar to hum touch wood Jai Mata Di sab vaccinated ho chuke hain. Precautions ke saath hum bhi bahar nikle. पार्टीज अटेंड करेंगे, गेट टुगेदर्स अटेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली यू हैव टू वेयर एथनिक यार, ऐसे जींस टॉप में थोड़ी जाएंगे. इस बार तो मेरा मूड भी है प्रॉपर एथनिक पहनने का. सो आई शॉप सम अमेजिंग अमेजिंग डील्स फ्रॉम अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जो बाय द वे अभी भी चल रही है. मैंने सबके प्राइस चेक करे हैं, अभी भी ये सब सेम डील पर अवेलेबल है. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट. आज मैं कवर करने वाली हूँ ऐसे एथनिक पीसेस, सम अमेजिंग ज्वेलरी ऑप्शन. यू कैन कॉल दिस हॉल अ फेस्टिव ज्वेलरी हॉल. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. Without any further ado, let's get started. जो फर्स्ट टू परचेजेस है ना, वो मैंने पहनी हुई है बिकॉज मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने पहन ही ली वीडियो के लिए. सबसे पहले मैंने पहना है ये थ्री पीस कुर्ता सेट, एकदम प्यारी फेस्टिव वाइब दे रहा है बिकॉज की जो शाइनीनेस है ना, वो बहुत प्रिटी, एकदम प्रॉपर पार्टी फेस्टिव वाली वाइब दे रहा है. सो ये द पनिट स्टोर का वुमेन्स अनारकली सिल्क ब्लेंड कुर्ता सेट विद पैन बॉटम एंड दुपट्टा सेट. सो बेसिकली ये थ्री पीस का सेट है. सबसे पहले इसमें आती है ये अनारकली, नीचे आती है बड़ी कंफर्टेबल सी पैंट, और पैंट की शाइन भी इतनी अच्छी है ना, मैं आपको सेपरेटली भी दिखा दूंगी यहाँ पे वीडियो में. एंड देन आता है इसमें प्यारा सा दुपट्टा. इसकी मैं डील बता देती हूँ, ये इसका एमआरपी है 4300 रुपीज, और ये मुझे पड़ा है 1335 रुपीज का, ऑलमोस्ट 69% ऑफ. आप लगा लो. कंफर्ट के मामले में लव इट. इसकी फिटिंग मुझे बहुत प्यारी आई है बिकॉज़ द साइज इज स्मॉल, एंड यहाँ पे ना जिपर पूरा यहाँ तक दिया, मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा आपको जिपर मिलता है. तो जैसे आप जिप करते हो ना, ऐसे जुप करके शेप आ जाती है जो प्रॉपर आपके कर्व्स के हिसाब से फिट होती है. लाइक यू कैन सी, ऐसा लग रहा है कि मेरे हिसाब से स्टिच हुआ है, बट जबकि नहीं, इट्स लाइक प्रॉपर फिट ऑन मी. सो स्मॉल साइज मेरे जैसे एकदम परफेक्ट है. माय बस साइज इज 34, जस्ट इन केस आपको रेफरेंस चाहिए होगा. एंड मेरी हाइट है 5'1", तो आप 5'1" के हिसाब से देख सकते हो. पैंट मुझे एकदम परफेक्ट आ रही है. बहुत दूर से तो पैंट इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है, खाली इतनी सी पैंट मेरे ऊपर विजिबल है. अगर आपकी हाइट और लंबी होगी ना, तो पैंट और अच्छी विजिबल होगी, लेकिन मेरे ऊपर एकदम ये परफेक्ट आ रही है. इसका घेरा मुझे बहुत प्यारा लगा. द ओनली थिंग इज, इसमें एज सच अंदर कोई लाइनिंग नहीं है, देर इज नो लाइनिंग इन साइड, लेकिन ओवरऑल ये बहुत प्रिटी लगती है. ट्रांसपेरेंट नहीं है, अच्छा खासा ऑलमोस्ट ओपेक में कपड़ा बोलूंगी. सो नो इशूज विद दैट. फैमिली में, फ्रेंड्स की किसी की वेडिंग हो, यू कैन डेफिनेटली वेयर इट बिकॉज का वो कॉटन वाला मटेरियल नहीं है, जो सिल्क ब्लेंड होता है ना, ये बहुत प्यारी शाइन देता है, और ऐसे वेडिंग वाले इवेंट से बहुत सुंदर लगता है. सो दिस इज अ डेफिनेट ये फ्रॉम माई साइड. मैंने दो और एथनिक पीसेज शॉप किए हैं जो मैं लास्ट में दिखाने वाली हूँ, बिकॉज फिलहाल हम बात करेंगे ज्वेलरी की. सबसे पहला पीस मैंने पहना ही हुआ है, दीज प्रिटी येलो झुमकास, एकदम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस आउटफिट के साथ. अगर आप ये सूट लोगे ना, तो ये वाले झुमके ले लेना, परफेक्टली जाने वाले हैं. वैसे भी मेरे पास काफी सारे येलो आउटफिट होते हैं, सो दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल. बहुत प्यारा इस पर मीनाकारी का वर्क है. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड जवेरी पर्ल्स. एज ए सेड, मैंने सारा जवेरी पर्ल्स से एक्सप्लोर किया इस बार. एंड लेट मी टेल यू द डील, मतलब मैं खुद शॉक हो गई थी. अभी जो अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है ना, इतनी अमेजिंग डील चल रही है जवेरी पर्ल्स के हर एक आइटम पर. लिटरली मैंने कुछ कुछ इयर रिंग्स 94% ऑफ पे भी देखे थे, मतलब 4-5,000 एम आर पी, और इतने सस्ते में आपको मिल रहे हैं. यही चीज अगर मैं मीनाकारी का वर्क किसी ऑफलाइन शॉप पे लेने जाऊंगी, मतलब ये बिल्कुल हल्की लोकल क्वालिटी के नहीं है, अच्छा खासा इनका वेट है, ज्यादा नहीं बोलूंगी लेकिन अच्छा खासा वेट है. चीप क्वालिटी इनकी फील नहीं होती. सो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इट राइट नाउ. कूपन कोड्स लग जाते हैं अमेजोन के ऊपर, आप काफी सारे कूपन भी अनलॉक कर सकते हो. इसका एमआरपी है 1875, ये मुझे पड़े हैं 213 रुपीज के. एंड नहीं यार, 213 में मुझे ऑफलाइन शॉप पे नहीं मिलने वाले, बिकॉज द वर्क इज जस्ट ब्यूटीफुल. अगर आप ब्राइड टू बी, आपकी फैमिली वेडिंग है, या कोई भी आपका फेस्टिवल ओकेजन आने वाला है, अभी जाके फटाफट से स्टॉक कर लो, बिकॉज इनकी एक्सेसरीज मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद आई. एंड लेट मी जस्ट शो यू द बॉक्स. सो इनके सारे जो एक्सेसरीज है ना, वो ऐसे सेपरेट बॉक्स में आई है. दिस इज ऑल द बॉक्स लुक्स लाइक जवेरी पर्ल्स की. यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, अंदर पूरा आपको पैकेट के अंदर ही मिलता है. सो आप इसको अलग अलग संभाल के भी रख सकते हो. पीछे सारा एमआरपी और डिटेल्स दिया हुआ है. सेकंड झुमका इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट पीस, बिकॉज काफी बार क्या होता है, हमारा आउटफिट थोड़ा सा लाइट होता है, हमें लगता है उसको थोड़ा सा हैवी बनाना है. सो वॉट यू कैन डू, यू कैन वेयर नाइस चंकी स्टेटमेंट पीस इयररिंग, एंड लुक एट दिस. इसका डिजाइन एकदम परफेक्ट है, काफी आई कैचिंग डिजाइन है इसका. मतलब जब मैंने देखा था ना, आई वाज लाइक आई हैव टू बाय इट, बिकॉज मेरे पास अगेन काफी सारे पिंक टोन के कपड़े बहुत ज्यादा हैं. अनदर कशिका ज्ञान, कभी भी आप एक्सेसरीज की शॉपिंग करोगे, यू आर नॉट श्योर कि आप फ्यूचर में इसको कैसे पहनने वाले हो, आपको नहीं पता किस कपड़े के साथ पेयर अप करना है, ऑलवेज गो फॉर द कलर जो आप मैक्सिमम टाइप पिकअप करते ही करते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं काफी ज्यादा रेड टोन, पिंक टोन कपड़े पहनती हूँ, येलो टोन कपड़े पहनती हूँ, तो मैंने ये दो इयरिंग्स तो पिक करे ही करे हैं. सो इसके अंदर बहुत प्यारा टोन जाता है. सबसे पहले लाइट पिंक कलर, हल्का सा हॉट पिंक है, और एक मजेंटा पिंक का टोन जा रहा है. नीचे भी पूरा वो झुमका वाला
इफेक्ट है, बीच में सिल्वर का स्टड दिया हुआ है. सो उसका जो ओवरऑल लुक है ना, ये काफी सारे आउटफिट के साथ जाने वाली है. एंड इसका जो ऊपर का एरिया, इट इज अ नाइस स्टेटमेंट इयररिंग पीस. इतना बड़ा जब ऐसे दिखेगा ना आपके फेस के ऊपर, बहुत प्रिटी लगेगा. मैं सबके स्नैपशॉट भी डाल दूंगी कि मेरे फेस के ऊपर कैसा लग रहा है, अगर आपको रेफरेंस चाहिए हो कैसे छोटे गोल फेस के ऊपर झुक के कैसे लगते हैं. एम आर पी है 2042, मतलब 2100 रुपीज लगा लो. और एक मुझे पड़ा है 347 रुपीज का, अगेन अ स्टील डील. नेक्स्ट इज अ डैंगलर ड्रॉप इयररिंग्स आप बोल सकते हो, बिकॉज का पूरा वो डैंगलिंग वाला इफेक्ट है. एंड लुक एट दिस, सो सो प्रिटी. बहुत प्यारे से मीनाकारी का काम दिया हुआ है. अगेन द कलर्स आर वेरी वर्सेटाइल. यहाँ पे डार्क ब्लू कलर है, देन वी हैव रेड का काम, अंदर ग्रीन का काम है. सो रेड ग्रीन ब्लू आपके सारे आउटफिट के साथ ही जाने वाला है. और ऐसे डैंगलर वाले चंकी इयररिंग्स ना आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं. सीन लॉट ऑफ ब्राइड्स मेड ऑल्सो वियरिंग सच काइंड ऑफ इयररिंग्स. सो आई रियली लाइक इट. अगेन इसमें जो डील पड़ी थी ना, मुझे इतनी मस्त पड़ी थी कि मैंने ले लिए. ऑल्दो आई एम रियली नॉट श्योर कि मैं इसको कैसे स्टाइल करूंगी, बिकॉज इतने बड़े झुमके मैं कम ही पहनती हूँ. बट आई रियली लाइक इट. आई थिंक मुझे कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. इसका एक्चुअल एम आर पी है 1663 रुपीज़. ये मुझे पड़े हैं 305 रुपीज़ के, मतलब 82% ऑफ. अमेजिंग अमेजिंग डील. ऐसे वाले झुमकों के साथ कभी कभी अगर बहुत बड़ा गला होता है ना, तो वो एम्प्टी लगता है. सो ऐसे आप इयररिंग्स डेफिनेटली पहन सकते हो अगर आपको नेक में कुछ ना पहनना हो, बिकॉज दीज जस्ट बैलेंस आउट द होल लुक. नेक्स्ट भी एक डैंगलर इयररिंग्स है, लेकिन ये थोड़े से छोटे हैं, बिकॉज पहले वाले थोड़े से लंबे और चंकी हो गए थे. ये फिर भी थोड़े से कॉम्पैक्ट वर्जन आप बोल सकते हो. सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक. अगेन इस पर बहुत प्यारा मीनाकारी का काम है. लोटस का बहुत सुंदर तीनों के ऊपर काम दिया हुआ है. वैसे ही बाहर इसमें जो पेटल्स हैं वैसे लोटस का इफेक्ट दिया हुआ है. लव इट, बहुत प्यारा है. इसमें ग्रीन का डोमिनेंस है, देन व्हाइट का एक हिंट है, पिंक कलर का एक हिंट दिया हुआ है, पर्ल्स का काम है. सो ओवरऑल काफी सारे आपके वर्सेटाइल आउटफिट के साथ ही चल जाएगा. इसका एमआरपी है 2496 रुपीज, और मुझे पड़ा है 376 रुपीज का. 85% ऑफ मुझे मिला है इसके ऊपर. सो अगेन दिस इज अ रियली नाइस डील. इयररिंग्स तो कवर कर लिए, लेकिन हाथों का क्या, तो मैंने एक ब्रेसलेट भी परचेज किया है, अगेन फ्रॉम जवेरी पर्ल्स, और ये काफी बड़े बॉक्स में आया है. मैं सोची थी कोई सेट आया होगा, लेकिन ये हमारा ब्रेसलेट है. मैंने सेट भी लिया जो मैं आपको नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ. सो इसका जो वेट है, मतलब बहुत हैवी है ये एज कम्पेयर टू झुमकाज. इस ब्रेसलेट का वेट इज अमेजिंग. अगर आपके कोई फ्रेंड ब्राइड टू भी है ना, तो आप ये डेफिनेटली गिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज ये देते वक्त एक्चुअल में फील होता है लाइक इट फील्स दैट रानी वाला जो जोधा अकबर वाला इफेक्ट होता है, उसमें फील होता है. वेरी वेरी हैवी, बहुत प्यारा. इसमें यहाँ पे काम दिया हुआ है सिल्वर का, देन मोती का पूरा काम दिया हुआ है. एंड यहाँ पे ना ये ऐसे लटकते रहते हैं. सो पीछे इन्होंने चेन दी हुई है. वी हैव अ हुक राइट हेयर, यहाँ पे लॉक वाला सिस्टम है, और इस साइड हमारे पास यहाँ पे चेन है. सो आप चेन को ऐसे लॉक कर सकते हो, और ये जो चीज़ है ये ऐसे डैंगलिंग वे में लटकती रहती है. नाउ द प्रॉब्लम इज मेरी रिस्ट बहुत ज़्यादा पतली है. मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपकी पतली रिस्ट है तो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यू कैन सी काफी सॉलिड वाला मार्जिन है. सो इसको मैं टाइट भी करा सकती हूँ अपने रिस्ट के हिसाब से, बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ इसमें एक एक्सटेंडर, जैसे चेन आती है ना, आप किसी भी नॉर्मल ज्वेलरी शॉप है, किसी भी किसी लोकल ज्वेलरी स्टोर पर भी जाओगे ना, वो भी एक एक्सटेंडिंग वाली चेन लगा सकते हैं. मैं इसको चोकर बनाने का सोच रही हूँ, बिकॉज लुक एट दिस. इफ आई वेयर इट एज अ चोकर, इट विल लुक सो सो प्रिटी, बिकॉज फ्रंट का पूरा जो एरिया वो अच्छे से कवर कर रही है. डेफिनेटली आप एक चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप इसको दो तरीके से पहन सकते हो. तो मैं इसको कंप्लीट पैसा वसूल बोलूंगी, और पैसों की बात आई तो ये ऑलरेडी मेरा वसूल हो चुका है. जैसे कि मैंने कहा काफी हैवी है, काफी अच्छा मटेरियल है, उसके हिसाब से मैं आपको रेट बताती हूँ. इसका एमआरपी है 1663 रुपीज, और ये मुझे पड़ा है 260 रुपीज का. 84% ऑफ. आई होप कुछ गिरे ना, सब कुछ टक होके आया है ब्यूटिफुली. दिस इज हाउ द सेट लुक्स लाइक. कैन यू सी, काफी प्रिटी सेट है. सो थ्री पीस यहाँ पे चेन आपको मिलती है, देन वी हैव वेरी प्रिटी इयररिंग्स. अगेन इयररिंग्स को आप खाली भी पहन सकते हो, और इनकी जो लुक है ना, वो काफी सारे आपके आउटफिट के साथ चल जाएगी. एक बेसिक सिल्वर टोन का ये इयररिंग है. सो इसको मैं डेफिनेटली उसी तरह से स्टाइल करने वाली हूँ. कोई भी अगर सर्दियों की शादी आती है ना, यू कैन वेयर अ प्लेन लहंगा. कोई भी आप स्कर्ट ले सकते हो जो मार्केट से मिलती है. अमेजोन पे भी काफी अच्छी टफीटा स्कर्ट्स मिलती है. मैं डेफिनेटली फ्यूचर हॉल में आपको दिखाने वाली हूँ. उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट करके रखो. सो उनके साथ आप हाईनेक पहन सकते हो ब्लैक कलर की. वैसे इसको ब्लैक की जाएगी, बिकॉज अगर डार्क कलर की हाईनेक पहनोगे ना, तो ज्वेलरी का इफेक्ट और निकल के आएगा. दिस आर द ज्वेलरी पीस लुक्स लाइक. मैंने दुपट्टा आगे कर लिया ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर इफेक्ट मिले, बिकॉज कुर्ती की वजह से आपको डिजाइन ना इतना समझ नहीं आएगा. मैंने अभी थोड़ा सा ढीला भी बांधा हुआ, आप इसको और टाइट कर सकते हो. आपको ऊपर से टाइट करना हो ऐसे लेयर करके, इसमें से डिजाइन आता है. लुक्स वेरी 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 प्रिटी. इसकी मैं आपको डील बता देती हूँ. सो इसका एक्चुअल एमआरपी है 2500 रुपीज, और ये मुझे पड़ा है 302 रुपए का. 88% ऑफ मुझे इस पे मिला है. अगेन वर्थ इट, वेरी वेरी नाइस. यू कैन वेयर इट अलोन, वेयर इट विद इयररिंग्स एज वेल. खाली इयररिंग्स को भी पहन सकते हो, इसको भी आप डिफरेंट वेस्टर्न इंडियन में स्टाइल अप कर सकते हो. अगेन वर्थ इट डील.
कमिंग बैक टू आवर एथनिक पीसेस, मैं प्रॉपर एथनिक नहीं बोलूंगी, काफी सारी लड़कियां हैं जिनको प्रॉपर ऐसे ना देसी वाला एथनिक पहनना नहीं पसंद, दे लाइक सम इंडो फ्यूजन सॉर्ट ऑफ इफेक्ट. सो उसके लिए मैंने पिकअप किया है ये इंडिया से. इंडिया अमेजोन पर भी अवेलेबल है, मुझे पहले पता ही नहीं था. ये मैंने एक्चुअल में इंडिया की ऐप पर भी देखा हुआ था, मुझे उस टाइम काफी पसंद आया था, बट द डील वॉज एवरेज. बट जब मैंने अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की डील पर देखा था, आई वॉज लाइक आई हैव टू गेट इट यार, बिकॉज मुझे काफी उस टाइम प्रिटी लगा था. सो उसको क्या बोलेंगे आप, ड्रेस गाउन सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो, जो इंडो वेस्टर्न एक लुक देता है. सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स लाइक वन कट शोल्डर है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ड्रॉप वाली स्लीव्स मिलती है. सो कुछ इस तरह से दिखता है, मैं अभी आपको पहन के दिखाने वाली हूँ. और नीचे तक पूरा इसका फुल लेंथ ऐसे जाता है, न्यूड पिंक सॉर्ट ऑफ कलर, वेरी वेरी गर्ली. इट्स नॉट वेरी फेमिनिश और मैच्योर्ड, आई वुड से बहुत प्रिटी, एकदम गर्ली इफेक्ट देता है. जो लाइट फंक्शंस होते हैं ना आपकी फैमिली में, आप डेफिनेटली इसको पहन सकते हो. और अभी पहनने की बात हो रही है तो मैं आपको पहन के दिखाई देती हूँ. आई थिंक एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. कितना प्रिटी, एकदम फेरी वाली फील दे रहा है, बट विद इंडियन टच. बहुत प्यारा यहाँ पे काम दिया हुआ है. इट्स लाइक सिल्वर गोल्डन कलर के सीक्वेंस है, लेकिन आपको दूर से इतना पता ही नहीं चल रहा हो, थोड़ा सिल्वर ये टोन दे रहा है, लेकिन गोल्डन कलर के इसमें छोटे सीक्वेंस दिए हुए हैं. नेट का पूरा यहाँ काम है. ये लेंथ भी एकदम परफेक्ट है, मतलब मैंने यहाँ इसके अंदर स्ट्रैपलेस ब्रा पहनी है, बिल्कुल भी वो विजिबल नहीं है. सो ये जो लेंथ है एकदम परफेक्ट आ रही है. मैं आप पे फुल लेंथ इमेज भी डाल दूंगी वीडियो पूरी, ताकि आप देख सको कि 5'1" हाइट के हिसाब से ये गाउन एकदम परफेक्ट आ रहा है. अभी मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है तो एकदम ग्राउंड टच कर रहा है. अगर मैं कोई हील पहनूंगी तो हल्का सा ही उठेगा, लेकिन एक्सट्रीम नहीं उठने वाला. तो अगर आपकी भी शॉर्ट हाइट है ना, तो एकदम ब्यूटीफुल आने वाला है. तो मैंने इसके साथ पहन ली है ये वाली इयररिंग, जो मैंने जवेरी पर्ल्स के सेट में से आपको दिखाए थे. वेरी वेरी प्रिटी, बिकॉज थोड़ा सा वेस्टर्न लुक दे रहे हैं. ऐसे वाले जो गाउन है ना, आप डेफिनेटली कोई भी बर्थडे पार्टी फंक्शन या फिर एनिवर्सरीज पे पहन सकते हो, बिकॉज एकदम देसी लुक नहीं देते, थोड़ा सा ऑफ शोल्डर है ना, तो काफी प्रिटी इसकी लुक आती है. अब आ जाते हैं डील के ऊपर. सो मैंने साइज स्मॉल लिया था, आई गेस मैंने आपको नहीं बताया होगा. स्मॉल साइज मुझे एकदम परफेक्ट आया. यहाँ पर मैंने जिपर इन्होंने दिया हुआ है, तो जैसे ही मैंने जिप करा ना, बहुत प्यारी यहाँ से फिटिंग आ गई. हल्का सा मार्जिन आप देख सकते हो, बट ऑनेस्टली मैं इसको टाइट नहीं कराने वाली, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए. लुक अच्छी आ रही है, दूर से अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ज्यादा छिड़वाने नहीं वाली. सो स्मॉल मेरे लिए एकदम परफेक्ट है. इसमें एम एल एक्सएल आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. प्राइस है इसका 3200 रुपीज, और मुझे ये पड़ा है 1120 रुपीज का. स्टील डील यार, दिल एकदम खुश हो गया मेरा. 65% ऑफ आप लगा सकते हो. आई एम नॉट रियली श्योर ये ऑफर बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, तो मे बी ये डील काफी अच्छी अभी मिल रही है. तो ज्यादा सोचो मत, अगर अभी चाहिए लेना है तो फटाफट लियो और खत्म करो यार. कमिंग टू द लास्ट क्लोथिंग पीस, नॉट द लास्ट पीस, लास्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी वेडिंग और जो फेस्टिव ओकेजन आने वाला ना, बहुत जरूरी है, तो अभी मिस मत करना. सो लास्ट जो मैंने क्लोथिंग पीस लिया है वो है फ्रॉम द अमेजोन ब्रांड ओनली. ये अमेजोन की अपनी ब्रांड है, MYX मिक्स, अगर मैं इसको प्रोनाउंस कर सकती हूँ, आई रियली डोंट नो. ये मैंने काफी बार अमेजोन पर देखी. सो ये है बेसिकली एक शॉर्ट कुर्ती. काफी बार क्या होता है, दिवाली होती है, कोई भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारा ना काम होता है, और ऐसी लॉन्ग कुर्ती नहीं पहनी जाती. सो मैंने वो सोचकर एक शॉर्ट कुर्ती पिकअप करी, बिकॉज ये इंडियन का इफेक्ट भी देती है, एट द सेम टाइम काफी कंफर्टेबल रहती है. एक्चुअल MRP है 699 रुपीज, लेकिन ये मुझे जिस डील पे मिला है, मुझे ये पड़ा है 6349 रुपीज का. सो ऑलमोस्ट 50% ऑफ, मतलब ऑलमोस्ट क्या 50% ऑफ ही आप लगा सकते हो. इसमें मैंने साइज पिकअप किया है S, सो जरा ट्राई करके देखते हैं ये कैसा आता है. सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक. इसका मटेरियल है कॉटन, तो काफी ज्यादा ब्रीदेबल है. नीचे मैंने वही पैंट्स पहनी हुई सूट की, बट वैसे ही पैंट्स है अच्छी लग रही है, बड़ा ऑफ सम कॉम्बिनेशन है, बट चल जाता है. अभी आप कुर्ती पे फोकस करो. सो दिस हाउ द कुर्ती लुक्स लाइक. लेंथ एकदम परफेक्ट है, फिट मुझे एकदम परफेक्ट आई है. कॉटन की है ना, तो एकदम ब्रीदेबल है, आप कुछ भी काम कर सकते हो, अच्छी भी लगती है. और इसको भी आप डेफिनेटली डेनिम्स एंड ऑल के साथ स्टाइल कर सकते हो. अभी कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो भी लड़कियां डेनिम्स जूती कोल्हापुरी वाली बोहो लोग पसंद करती है ना, ऐसे वाली कुर्ती बहुत अच्छी लगती है. एंड लेट मी टेल यू, ये वाला जो पेज था ना, जैसे मैंने कुर्ती पिकअप करी है, इसमें बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कलर बट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एज वेल. येलो, ब्लू, मस्टर्ड, डार्क ब्लू कलर में आपको इतने डिफरेंट डिजाइन मिल रहे हैं. लेंथ यही रहेगी, उसका जो पूरा लुक है वो यही रहेगी, लेकिन इसी के ऊपर आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे. एंड ऑल ऑफ देम आर एट 50% ऑफ, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस ब्रांड. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट आइटम, जो इस फेस्टिव ओकेजन में मैंडेटरी है, चाहे आप फ्लैट्स में जूतियाँ पहनते हो या फिर आप बिल्कुल हाई वाली हील्स पहनते हो, कोई भी तरह के आप न्यू फुटवेयर पहनते हो ना, तो वो पीछे से बहुत ज़्यादा बाइट देते हैं. एंड मेरी फॉलोअर्स पूछते थे कि आप क्या करते हो, ऐसे जो शू बाइट मिलती है आप उसके लिए क्या करते हो. मैं लगाती हूँ ऐसे फुट स्टिकर्स, बेसिकली मैं इनको, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं, फुट स्टिकर्स, हील लाइनिंग सीरीज इसका नाम है. सो आई थिंक इसको हील लाइनिंग ही कहते होंगे. सो मैंने ये सेट लिया है इस बार. इससे पहले जो मैंने बहुत पहले लिया था ना अमेजोन से, वो मैंने सारे यूज अप कर लिए हैं. सो दिस इज हाउ द हील स्टिकर लुक्स लाइक, एकदम बटरफ्लाई विंग्स जैसे लगते हैं. सो सेंटर में हल्की सी एक कैविटी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो पीछे एड़ी होती है वो आती है, एंड साइड्स में आपकी हील पे फिक्स हो जाती है. सो आपको कुछ नहीं करना,
आई हैव वन हील ईयर बिकॉज मैंने रील शूट करी थी. सो ये जैसे आपकी हील है, आपने यहाँ पे स्टिकर लिया, इसमें नहीं जाएगी बिकॉज ये कहीं ना कहीं ब्लॉक हील्स है, इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करती. जो पूरी बंद वाली हील होगी ना, ये उस पर ज़्यादा अच्छी वर्क करेगी. सो ऐसे लेके आपको इसको पीछे स्टिक कर देना है, ऐसे करके. ये बाय द वे स्टिकर्स होते हैं पीछे प्रॉपर, आप इसको पीछे की साइड से पील कर सकते हो, चिपका सकते हो. सो आपकी कोई भी अगर अनकम्फर्टेबल हील हो, आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हो. नॉट जस्ट फॉर हील्स, जो पंजाबी जूतीज होती है ना, मैंने गलती ही करी थी, मैंने पंजाबी जूती ऐसी ही पहन ली थी, वो बहुत ज़्यादा शू बाइट देती है. 3 ब्लैक है, इसमें 3 स्किन कलर आपको मिलते हैं, ब्लैक स्किन सबके साथ ही जाने वाला है. इसका MRP है 1300 रुपीज़, लेकिन ये मुझे पड़ा 590 रुपीज़ का. सो आपको 6 स्टिकर्स मिल रहे हैं 590 की, विच इज़ प्रिटी गुड. 55% ऑफ की मुझे इस पर डील मिल गई. अगेन अ मस्ट हैव फॉर द अपकमिंग फेस्टिव / वेडिंग सीजन. एंड विद दिस माई Amazon हॉल इज ओवर. नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे सबके सेपरेट लिंक्स, प्लस मैं अपना Amazon स्टोर का लिंक भी डाल दूंगी, जो मेरा Amazon स्टोर है. वहाँ पर आप फैशन कैटेगरी में जाना, आपको इन सारे सब आइटम्स के लिंक्स मिल जाएंगे. और भी जो मेरे मेकअप ब्यूटी फैशन के फेवरेट्स हैं, वो भी आपको उनका लिंक मिल ही जाएगा नीचे वो स्टोर लिंक में. सो डेफिनेटली चेक आउट दैट लिंक एज वेल. फॉर टुडेज़ वीडियो, डू चेक आउट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.